हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपा एक गरीब भेलपुरी वाली थी जिसे भेलपुरी में कुरकुरे मिलाकर खाना बहुत पसंद था। रूपा भेलपुरी वाली आसपास की सभी जगह पर बड़ी फेमस थी। हमेशा उसके पास लोगों की लाइन लगा रहा करती क्योंकि वो कम दामों में लोगों का दिल खुश कर देती। इसीलिए अक्सर लोग अपने काम पर जाते जाते वहाँ रुक जाया करते। एक दिन दोपहर के समय एक पेड़ के नीचे बैठकर रूपा भेलपुरी में कुरकुरे मिलाकर खा रही होती है कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक राधा नाम की लड़की निकलती है जो कि कोई और नहीं रूपा की सहेली थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है रूपा कि तू मेरे सामने खड़ी है। तू गांव से शहर आई तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती तुझे राधा, जीवन में इतने उतार चढ़ाव हो गए हैं कि किसी से कुछ कहने बोलने की इच्छा ही खत्म हो गई है हमारी। इतने समय में सब कुछ देख लिया है। क्या बात है रूपा, तू इतनी उदास भरी बातें क्यों कर रही है? कोई बात है क्या? अम्मा जी कैसी है? मेरी माँ को गुजरे हुए तो कई साल हो गए। मेरी चाचा चाची ने उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं दिए और उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दे रूपा, मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि तेरे साथ इतना कुछ हो गया। मुझे माफ कर देना, इतने समय से मैंने तेरा हाल चाल लेने की कोशिश नहीं। तू ये सब भूल जा, इतना मत सोच। जो होना था वो तो हो ही गया, अब उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। बदलाव ही जीवन का नाम है। हाँ ये तो है, लेकिन मेरी दोस्ती की एक चीज आज तक नहीं बदली, आज भी वही है। अच्छा जी, और वो क्या है? भेलपुरी में कुरकुरे मिलाकर खाने वाली आदत। पहले भी तुम ऐसे ही भेलपुरी खाती थी और आज भी वैसे ही खाती हो। अपने कस्टमर को भी ऐसे ही चकमा देती हो क्या, भेलपुरी के नाम पर कुरकुरे खिलाकर? राधा की बात को सुनकर रूपा जोर जोर से हंसने लगती है और उसे गले से लगा लेती है। तब तक वो उसके मजाक का जवाब देती तब तक ही राधा का पति केशव गाड़ी से निकलकर उसके पास आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं कब से गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ गरीबों के साथ बातचीत पे लगी हुई हो। तुम्हें यहाँ एड्रेस पूछने के लिए भेजा था, ना कि इनके साथ गप्पे लड़ाने के लिए। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं किसी अनजान लोगों से बात नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी सहेली से बात कर रही थी। ये मेरी सहेली है, हम दोनों एक ही गांव में रहते थे। बस यही सुनना बाकी रह गया था, दूध वाला, सब्जी वाला और घर के सभी नौकरों को तुमने तो अपना रिश्तेदार बना ही रखा था। अब बस यही भेलपुरी वाली बची थी जो इसे भी अपनी दोस्त बना लिया। आप ऐसे मेरी सहेली की इंसल्ट नहीं कर सकते हैं, ये सच में मेरी सहेली है। आपको ना विश्वास हो तो मैं आपको अपनी और इसकी बचपन की पिक दिखा देती हूँ। ना ना, मुझे तो पूरा यकीन है कि ये भेलपुरी वाली तुम्हारी दोस्त होगी, क्योंकि इसकी और तुम्हारी कोई समानता अलग नहीं है। शुक्र मनाओ मेरे पापा ने तुम्हें पसंद किया, वरना तुम्हारी शादी मुझसे तो होती नहीं। तुम भी कहीं भेलपुरी बेच रही होती अभी। भाई तेरे अंदर तो पैसे होने का घमंड कुछ ज्यादा ही दिख रहा है, इसको थोड़ा कम रख, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और दोबारा मेरे दोस्त से ऐसे बात मत करना। रूपा इतना कहकर अपने भेलपुरी का टोकरा सर पर रखकर स्टैंड को हाथों में उठाकर वहां से चल देती है, जिसके बाद केशव भी राधा का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है, तभी एक रोज केशव अपने कुछ ऑफिस वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ मीटिंग की बातें कर रहा था, तभी उसका एक दोस्त करण बोलता है। भाई अब ना बिना पेट पूजा के मुझसे काम नहीं होगा, मुझसे काम चाहिए तो कुछ स्पाइसी सा खिला दे मुझे, जिससे दिल खुश हो जाए और मन साफ। भाई ऐसे नाम के ना मैं किसी को नहीं जानता, अगर हाँ मुझे पता होता तो मैं मंगवा लेता और हम सब खा भी लेते। अगर ऐसी बात है तो रूपा भेलपुरी वाली से भेलपुरी मंगवा ले, बहुत अच्छी बनाती है, इस पूरे इलाके में ना फेमस है वो, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं उसकी भेलपुरी। कहीं ऐसा ना हो वो भेलपुरी वाली मेरी पत्नी राधा की दोस्त निकल जाए। अगर ऐसा हुआ, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, वो कौन सा मेरा ऑफिस जानती है, वो यहाँ नहीं आ सकती। भेलपुरी वाली का नाम सुनकर वो मन ही मन सोचने लगता है कि करण उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलता है। क्या बात है भाई, भेलपुरी वाली का नाम सुनकर तू क्या सोचने लगा, तेरे रिश्तेदार है क्या? भाई इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे कि मैं एक भेलपुरी वाले के रिश्तेदार निकलूं। तुम लोगों को ना जो मंगाना मंगा लो, मुझे ना सिर्फ जूस पीना है, गर्मी बहुत हो रही है, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। केशव इतना कहकर जब तक किसी को आवाज देने की सोचता तब तक वो देखता है कि राधा रूपा भेलपुरी वाली को लेकर उसके कैबिन में आ रही थी। जब तक वो कुछ कर पाता करण की नजर राधा पर पड़ जाती है। आइए भाभी जी, एकदम सही टाइम पे आई हो, हम लोग ना अभी यही सोच रहे थे कि क्या खाए और आप आ गई। आज क्या लेके आई हो खाने में? आज खाने में
मैं चटपटी भेलपुरी लेकर आई हूँ। मेरा मतलब है भेलपुरी बनाने वाली को लेकर आई हूँ। आपने रूपा भेलपुरी वाली का नाम सुना होगा? हाँ भाभी सुना है, पर अभी हम वही मंगवाने वाले थे, लेकिन कोई जगह इनकी फिक्स नहीं होती ना, इसलिए मैं पता नहीं था कि कहाँ से और कैसे मंगवाए। लेकिन देखिए आप इन्हें साथ लेके आ गई। तब तो मैंने आप लोगों के दिल की बात सुन ली। अब देखना मेरी सहेली आपको इतनी अच्छी भेलपुरी खिलाएगी, आप रोज बुलाएंगे इसे। क्यों रूपा, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल, आज मैं आप लोगों को अपनी पसंद के कुरकुरे भेलपुरी खिलाती हूँ, जिसे खाते ही ना आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। मैं खुद भेलपुरी में ना कुरकुरे डालकर खाती हूँ, बहुत मजा आता है। नेकी और पूछ पूछ, अरे दीजिए खाना है, मैं जल्दी दीजिए। रूपा केशव के दोस्तों के साथ साथ पूरे ऑफिस वालों को भेलपुरी में कुरकुरे डालकर खिलाती है, जो कि वो खुद खाया करती थी, जिसका स्वाद सबको बहुत पसंद आता है। और राधा की मदद से एक ही दिन में उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। लेकिन ये बात केशव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो घर पहुंचकर राधा को बहुत सुनाता है। समय बीतता है, तभी एक दिन राधा और केशव एक पार्टी में जाते हैं, जहां स्ट्रीट फूड वालों के साथ रूपा ने भी भेलपुरी का स्टॉल लगाया था, जिसे देखकर वो दंग था। तभी वो अपनी दोस्त की वाइफ के पास जाता है। भाभी जी एक बात बताइए, इतनी बड़ी पार्टी में इस भेलपुरी वाली को बुलाने की क्या जरूरत थी? बिना बात के लोगों की भीड़ जमा हो गई वहाँ पे। भैया ये सब मुझे नहीं पता, मैं तो शादी की तैयारियों में बिजी हूँ। खाने पीने की सब तैयारियाँ आपके दोस्त देख रहे हैं। आखिर परेशानी क्या है आपको मेरी सहेली से? अगर वो गरीब अपने नाम के सहारे दो पैसे कमा कर खा रही है तो आपको परेशानी क्या है ये बताइए। परेशानी तुम्हारे दोस्त के कमाने और खाने से मुझे नहीं है, वो जो हमारी सोसाइटी में घुस गई ना उससे परेशानी है मुझे, क्योंकि जैसे ये तुम्हें देखती है तुमसे चिपक जाती है और तुम सबके सामने गाना गाने लगती हो कि भेलपुरी वाली मेरी दोस्त है। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? क्या अमीर गरीब इंसान दोस्त नहीं हो सकते हैं? आप उसे उसके हुनर से जज करिए, ना कि उसकी हैसियत से। सच में वो बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है, तभी तो इतनी बड़ी पार्टी में उसे बुलाया गया है। बनाती होगी यार, मुझे उससे क्या, बस वो तुमसे और मुझसे दूर रहे, वही मैं चाहता हूँ। जब से हमारी लाइफ में आई है वो मुसीबत बन गई है ना, उस दिन मैं गाड़ी रोकता ना तुम उससे मिलती और ना ही वो हमसे चेप होती। तुम चलो यहाँ से। केशव इतना कहकर राधा को लेकर पार्टी के अंदर चला जाता है, जहाँ उसका दोस्त करण भी आ जाता है। और जैसे ही उसकी नज़र भेलपुरी वाली पर जाती है वो सभी दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ पहुँच जाता है। केशव आज तो तुझे इनकी भेलपुरी खानी पड़ेगी, तब तुझे पता चलेगा कि हम इनकी भेलपुरी को इतना पसंद क्यों करते हैं। नहीं यार तुम खाओ, मुझे नहीं खाना है, इतनी बड़ी शादी में भेलपुरी है यही बचेगा खाने के लिए। केशव जी आप एक बार मेरी कुरकुरे भेलपुरी खा कर तो देखिए, आपको भी आदत लग जाएगी इसकी। आपको मैं वैसे ही भेलपुरी खिलाऊंगी जैसे मैं खुद खाती हूँ, भेलपुरी में कुरकुरे डालकर, एक बार खा कर तो देखिए। यार सच में तू एक बार खा कर तो देख इनकी भेलपुरी, वो भी कुरकुरे वाली, मजा आ जाएगा। सबके कई बार कहने पर केशव भेलपुरी खाने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद रूपा उसे कुरकुरे वाली भेलपुरी बनाकर टेस्ट करने को देती है और उसका स्वाद केशव को बहुत अच्छा लगता है और सबके साथ वो भी उसकी तारीफ करता है, साथ ही उससे अपने गलत बर्ताव के लिए माफी मांगता है। विकासपुर गांव में नैना अपने ससुराल में बड़ी ही दुखी होकर अपना जीवन गुजार रही थी, क्योंकि वो गरीब घर से थी, साथ ही उसकी शादी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए लोग उसको कुलच्छिनी कहकर बुलाते थे। ऐसे ही एक दिन नैना की जेठानी नीतू, अरे ओ कुलक्षणी कहाँ मर गई आज? जी दीदी। दीदी की बच्ची, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पर दीदी मैंने क्या किया है? तू गरीब भिखारन मुझसे सवाल कर रही है कि आखिर तूने किया क्या है? रुक तुझे बताती हूँ। इस तरह से नीतू नैना को खींच कर बाथरूम तक ले जाती है और उसको कपड़े दिखाते हुए बोलती है, देख ले कलमुही, देख ले क्या है ये। अरे कल शाम को मैंने इन कपड़ों को पानी में डुबाया था, लेकिन एक तू है कि अभी सुबह के 10 बज गए लेकिन तूने इनको धोने का नाम नहीं लिया। दीदी मैंने कल ही सारे कपड़े धोए थे और इनमें से तो काफी हद तक वो कपड़े हैं जो मैंने कल ही धोए थे। अच्छा जी, तो अब तू मुझसे जमा लड़ाएगी? वाह रे जमाना, एक तो विधवा ऊपर से गरीब और इसकी जुबान देखो कैसे कैची की तरह चल रही है, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर अब नीतू नैना के ऊपर जुल्म ढाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर नीतू का बेटा जिसका नाम रियान था आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोलता है, माँ ये क्या कर रही हो आप? अरे भराव चाची पर हाथ कैसे उठा सकती हो? बेटा तो हट जा, समझा? तू हम दोनों के पीछे मत आ।
पर क्यों माँ, मैं आप लोग बीच में क्यों ना आऊँ? हमेशा से देखता आया हूँ, पापा ने, आपने और भैया ने सबने मिलकर चाची पे बहुत जुल्म किए हैं, आखिर क्यों माँ? बेटा जिसको तू चाची चाची कहकर बुला रहा है ना, वो असल में डायन है, डायन। अरे तुझे पता भी है, जब ये शादी करके आई थी ना, तब तेरे चाचू ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहे। एक तो ये गरीब थी और ऊपर से हम पर बोझ बनने लगी। लेकिन जब हमें ये खबर लगी कि कुलक्षणी माँ बनने वाली है, तो हमने सोचा चल कोई बात नहीं, गरीब और विधवा ही है तो क्या हुआ, इसको हम अपने टुकड़ों पर पाल लेंगे। अरे भाई चाहे जैसा भी है तो हमारे घर की बहू ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे घर में एक छोटा सा दीपक देने वाली है, लेकिन अगले एक हफ्ते बाद इसका मिसकैरेज हो गया। कुछ साल गुजर गए, उसके बाद सासू माँ और ससुर जी भगवान को प्यारे हो गए। अब तू ही बता, ऐसे में हम इसको कैसे छोड़ दें? माँ मुझे नहीं लगता इसमें चाची की कोई गलती है, ये सारी चीजें उनकी किस्मत में लिखी हुई है। और अगर ऐसा हुआ भी है तो क्या हो गया, ये तो आप लोगों का फर्ज बनता है ना कि आप लोग इन्हें सहारा दें। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि चाची काम किए जा रही है। माँ आप भी तो इस घर की बहू है ना। बेटा रेहान, इस डायन के पीछे तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, समझा तू? क्या ज्यादा बोल रहा हूँ मैं माँ, मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ। रेहान बेटा, माँ से ऐसे बात नहीं करते, तू जा यहाँ से, ये हम दोनों का मामला है, हम देख लेंगे। चाची माँ है तो क्या, मैं माँ का साथ गलत चीजों में दे दूँ? आप भी मुझे बचपन से जानती हो ना कि मैं कैसा हूँ, मेरे सामने कुछ भी गलत होता है ना तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। कुछ ही देर में नीतू का पति मोहन और नीतू का बड़ा बेटा राजीव बाथरूम तक आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि माँ बेटे में ताबड़तोड़ बहस हो रही है। ये देख मोहन अपनी पत्नी से बोलता है, अरे क्या हो गया भाग्यमान, क्यों सुबह सुबह घर में कलेश चालू कर रखा है? मोहन की बात सुनकर नीतू मोहन को सारी बात बता देती है। जब उनको ये बात पता चलती है कि लड़ाई की वजह नैना है, तो सभी लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। और ऐसे ही समय अब गुजरता है। समय के साथ साथ नैना के ऊपर अत्याचार भी काफी बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन, नैना तेरे पास खुद का तो कुछ है नहीं, और जो मेरा था तूने वो भी मुझसे छीन लिया, क्या मिल गया तुझे मेरे छोटे बेटे को काबू करके, पता? दीदी आप मुझे हमेशा ऐसे क्यों बोलती रहती हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, और मैंने आपके बेटे को नहीं छीना है। नैना की बात सुनकर नीतू कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। नीतू अपने कमरे में जाकर अपने पति मोहन से बोलती है, मोहन जी मैं सोच रही थी कि हमारे दोनों बेटे बड़े हो गए हैं, हमें उन दोनों के हाथ पीले करवा देने चाहिए। पर नीतू दोनों के साथ एक साथ, ये थोड़ा अजीब नहीं रहेगा? नहीं मोहन जी, इसमें क्या ही अजीब है, अब जब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो हमें उनके बारे में सोचना चाहिए ना। नीतू की बात से मोहन राजी होता है और अगले कुछ दिन बाद वो अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे से घर की लड़कियों का रिश्ता पक्का करके आ जाता है और घर आकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो? जी बोलो क्या हुआ? हमारे दोनों बच्चों का रिश्ता एक ही घर में पक्का हुआ है और दोनों लड़कियां काफी संस्कारी और सुंदर हैं। अरे वाह, पर दोनों लड़कियां हैं किसकी बेटियां? मेरे दोस्त का रिश्तेदार था और वो भी हमारी तरह अपनी बेटियों की शादी एक ही घर में कराना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने दोनों बेटों का रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया। चलो अच्छी बात है। इस तरह राजीव और रेयान की कुछ दिनों बाद शादी हो जाती है। राजीव की पत्नी राधा राजीव की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी, तो वहीं रेयान की पत्नी शांति रेयान के जैसे और अपने नाम की तरह ही शांत स्वभाव और तमीजदार थी। ऐसे ही एक दिन राधा नैना के पास आती है और उससे बोलती है, चाची जी आप अब से किचन में रहा करेंगी। पर क्यों बहू? मुझसे क्यों का जवाब मत मांगना, क्योंकि मैं क्यों का जवाब नहीं देना चाहती। राधा नैना को उल्टा जवाब दे ही रही थी, तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और राधा को अपनी चाची से बात करते हुए बोलती है, दीदी आप चाची से ऐसे कैसे बात कर रही है? क्या कैसे बात कर रही हूँ मैं? मुझे जो कहा गया था मैं वही समझा रही थी, लेकिन एक ये है इनको मेरी बात समझनी ही नहीं है। समझाने का तरीका अलग अलग होता है, और आप चाची को ऐसे भी क्या समझा रही हो जो चाची समझ नहीं पाई? मम्मी जी ने कहा है कि चाची जी आपसे किचन में ही रहेंगी, और क्यों वो मुझे नहीं पता, मुझे जो कहा गया वो मैंने इनको बोल दिया। बहुत मम्मी जी का पक्ष लेती फिरती हो ना आप, तो एक चीज मम्मी जी के कानों में जाकर बोल देना कि शांति बोल रही थी कि चाची अपने रूम को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। अब क्या था, राधा नीतू के पास जाती है और वो अपनी सास को ठीक वैसा ही बोलती है जैसे शांति ने उससे कहा। ये सुनने के बाद नीतू अपने सर पर हाथ रखकर बोलती है, हे भगवान, एक कम था जो एक और आ गई नैना का पक्ष लेने के लिए,
पता नहीं आखिर ये लोग अपने गरीब चाचे का पक्ष लेते ही क्यों हैं? इसका कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये मेरे घर में अपने पैरों को ऐसे फैलाकर बैठने के साथ इस घर में ऐसे चिपक जाएगी जैसे लकड़ी में दीमक लगता हो। नीतू अपना दिमाग लगा, आखिर क्या करना चाहिए इस औरत के साथ। अरे बहू तू भी तो कुछ सोच ना, नहीं तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा इस घर में। अरे मम्मी जी अगर गरीब चाची को सबक सिखाना है तो आप उनको घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? जब वो घर से बाहर हो जाएंगी तो अपने आप ही ये घर आपका हो जाएगा और मेरा भी। तो इस तरह से अब राधा और नीतू दोनों ही नैना के कमरे में जाती हैं, जहां नीतू नैना को खाना खाते हुए देखती है। नीतू उसके हाथ से उसका खाना छीनकर फेंक देती है और उसके बालों को पकड़कर उसको घर से बाहर निकालते हुए बोलती है, तूने मेरा घर तोड़ दिया इसलिए मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी, अब तू यहाँ पर नहीं रहेगी, चल निकल। घर में शोर सुनकर अब रियान और शांति भी बाहर आती हैं, जहाँ वो अपनी गरीब चाची के साथ इस तरह का बर्ताव देख हैरान हो जाती हैं। और अब रियान गुस्से में अपनी माँ का हाथ अपनी चाची के बालों से हटाता है और उससे बोलता है, माँ आज आपने बहुत गलत किया इनके साथ ऐसा करके। आप चाची के साथ ऐसा क्यों करती हो? इसलिए क्योंकि वो गरीब है, इसलिए क्योंकि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। तू हट जा रेहान, इसकी वजह से तू मुझसे दूर हो गया और ये आराम से अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही थी, इसको मैं अब और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीतू की बात सुनते ही शांति समझ जाती है कि नीतू ने नैना को खाने भी नहीं दिया। अब क्या था, शांति पहली बार अपनी सास से गुस्से में बोलती है, मम्मी जी ऐसी कौन सी नफरत जाग उठी आपको चाची जी से जो आपने उनको खाना भी नहीं खाने दिया? आप उनसे चिढ़ती है ये जानती थी मैं, लेकिन कम से कम आप उनको दो वक्त की रोटी चैन से तो खाने दो। नहीं अब खाना क्या, इसको मैं इस घर में रहने भी नहीं दूंगी, शांति से खाना खाने तो दूर की बात है। ठीक है माँ, आप रहो अपने पति और बेटे के साथ और अपनी बहू के साथ, क्योंकि अगर चाची यहाँ नहीं रही ना तो मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा, और अगर ये यहाँ नहीं रहे ना तो मैं भी नहीं रहूँगी और अपने पति के साथ चली जाऊँगी। नीतू उन दोनों की बात नहीं मानती और उसको घर से निकालने की जिद पर अड़ी रहती है। उसकी जिद देखकर अब रियान और शांति भी घर छोड़कर अपनी गरीब चाची के साथ चले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।